Of course, that's Ishan. Thank you, guys. Where are the claps and the hoots? Both of you know that this song is going to make people crazy at weddings, at Janmashtami, during Ganesh Utsav, Navaratri. Are you ready for So Much Love? I'm always ready for love. That's nice. How about you, Ishan? Let's hope so. It's a wonderful song. People have loved it already, and I think Amitabh Bhattacharya sir has done a great job with the lyrics, and he's retained the masti of the song. So I hope people enjoy it. That mad step. Can we just play the music one more time and do that mad step that you do with all the vigor and energy? Huh? One more time, and then we do the questions. Can we play the song one more time to make Shashank dance on it? Who wants to see Shashank Khaitan dance? Are we ready? Yeah. Shashank, do you need some more water? For sure? Okay, super. So there are your mics. Those are the media people. Thank you so much, guys, for coming. First of all the media professionals right here. Song-related questions, and Ishan and Janvi and Shashank, all yours. Thank you. सर आप ये माइक रखिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो हमने देखा ट्रेलर आया है एंड धड़क का जो टाइटल सॉन्ग आया है वो बहुत ही पसंद आया लोगों को, एंड अब जो है झिंगाट, तो इससे कितनी उम्मीद है आप लोगों की झिंगाट गाने से?
जी उम्मीदें बहुत हैं, हम बहुत खुश हैं कि हमें मौका मिल रहा है जिंगाट फिर से रिक्रिएट करने का, उसे परफॉर्म करने का। जब हमने ये पिक्चर के लिए डिसाइड किया था, हमने तभी डिसाइड किया था कि ये गाना हमारी फिल्म का एक पार्ट होने वाला है। और इतने अमेजिंग टेक्नीशियंस, अजय अतुल ने म्यूज़िक ही दिया है फिर से, अमिताभ भट्टाचार्य ने हिंदी लिरिक्स लिखे हैं, फारा खान जिनके साथ मेरी बचपन से तमन्ना थी काम करने की, उन्होंने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है, द हुक स्टेप स्पेशली जो बहुत अच्छा है, और ये दोनों बच्चों ने बहुत जी जान से उसे परफॉर्म किया है। तो उम्मीदें बहुत हैं, पर उससे ज़्यादा बहुत खुशी है कि आज पूरी दुनिया ने ये गाना देख लिया। हम बहुत महीनों से छुपा के रख रहे थे, दबा के रख रहे थे अपने अंदर, नाउ इट्स आउट। और या वी वेरी एक्साइटेड। ईशान जी, बहुत खुशी है इस मौके पे। हमारी फिल्म की कहानी के लिए बहुत अहम हिस्सा तो है ये गाना, लेकिन अपने आप में ही इस पे परफॉर्म करने का मौका मिलना बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उस गाने का, और ख़ास करके जो अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिरिक्स के साथ किया है उसका मज़ा हमने पूरी तरह से उठाया, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंसेस भी ऐसे ही मज़ा लेंगे। जी, आप लोग ने ट्रेलर को इतना प्यार दिया है, धड़क गाने को इतना प्यार दिया है, तो यही उम्मीद है कि झिंगाट को भी वैसे ही प्यार मिलेगा। मैंने देखा जो झिंगाट जो गाना है उसमें बहुत ही एनर्जी दिखाई है आप लोगों ने, तो ये इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप लोग? अगर मैं बहुत खाना खाती वहाँ से आती है एनर्जी। ये आमतौर पे अपनी बैक पॉकेट में, अपनी जेब में रखते हैं शशांक सर, उनसे ले ली मैंने। ये जो 20 साल के बच्चे होते हैं ना, ये एनर्जी है। अभी मैंने ये दो स्टेप करने की कोशिश की, मेरी सांसें फूलने लगी, तो ये 35 के बाद अलग होता है इस गाने का इफेक्ट, और 20 साल की उम्र में अलग होता है। तो आई थिंक ये एनर्जी ये बच्चे लेके आते हैं जो 20 साल के होते हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, आज ही रिलीज हुआ है गाना। वेल, इस गाने को शूट करने के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ आप दोनों के लिए क्या थी? और एक और सवाल है मेरा, जस्ट टू कंटिन्यू, कि फिल्म रिलीज होने के पहले ही इतना सारा प्यार मिल रहा है दोनों को, हाउ डू यू गाइस हैंडल? स्टार बन गए हो रिलीज के पहले ही। ऐसा तो नहीं कहूँगा मैम, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को प्रोमोज में जो भी देखने को मिला है वो पसंद कर रहे हैं, और सपोर्ट मिलता है लोगों का, तो उम्मीदें बढ़ती हैं कि लोग जाएंगे फिल्म देखेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद यही है कि जब फिल्म देखेंगे तो लोगों को ये एहसास होगा कि ये एक सिंसियर अडेप्टेशन है, अपने आप में एक फ़िल्म है, और पूरी ईमानदारी के साथ बनाई गई है। खून पसीना आंसू बहाए हमने इस फिल्म को बनाने में, और बहुत प्यार से बनाई है, ये मैं दावा दे सकता हूँ। और झिंगाट के सिलसिले में जो सवाल आपने पूछा है, कुछ ख़ास मुश्किल तो था नहीं, फिज़िकली थोड़ा टफ इसलिए था क्योंकि मुझे गर्दन में मोच आई हुई थी जिस दिन हम ये गाना शूट कर रहे थे। हमने असल में दो दिन में शूट किया है गाना, और दूसरे दिन हमने एक सीन भी शुरू कर दिया था उसके बाद, तो काफ़ी जल्दी शूट किया था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था ओवरऑल। मुश्किल तो हाँ, एक्चुअली मैंने ना, क्योंकि शूटिंग से पहले मैंने झिंगाट ये गाने को बहुत बार सुनी थी, और अमिताभ भट्टाचार्य जी ने इतने मज़ेदार लिरिक्स लिखे हैं, तो मतलब वो लिरिक्स मेरे जहन में बैठ गए थे। एंड एक्चुअली दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम मधु के नज़रिए से है पार्थिवी के लिए, और मुझे बस रिएक्शन देना था। लेकिन हर बार जब भी फरा मैम कैमरा मुझ पर डालती थी रिएक्शन के लिए, मैं लिपसिंग कर ही रहती थी मधु के लाइंस के लिए, तो फिर यू नो शी ऑलवेज स्टॉप मी, लाइक व्हाई आर यू सिंगिंग, हु आर यू सिंग, मैं पूरे पलटन के साथ लेके भारत, लाइक फॉर हु? सो या दैट वाज अ स्टार। और मैम का बहुत एक खास अंदाज होता है, जानवी स्टॉप सिंगिंग, इट इज नॉट, इट्स अ मेल वॉइस, इट डजंट सूट यू। तो और प्लीज इनको स्टार मत बोलिए, दोनों प्यारे बच्चे हैं अभी। आई होप ये बहुत बड़े स्टार बने, पर अपने दिमाग में कभी अपने आप को स्टार ना समझे। जब हमने फिल्म शुरू की थी, हम तीनों की जब पहली मीटिंग हुई थी, मैं बोला कभी स्टार मत बनना, आप पॉपुलर बनना, बहुत मेहनत से काम करना, अपने दिमाग में नहीं। तो जिस दिन, लकीली अब मैं उनके फादर जैसा बन गया हूँ 35 की उम्र में, तो जब हाँ बिल्कुल, आई फील लाइक अ फादर फिगर, तो अगर कभी दे बिहेव दिस वे, आई थिंक आई जस्ट गो एंड गिव देम वन वन बैक, नेवर एवर। जी एक्चुअली हमने सिर्फ एक या दो दिन, एक दिन प्रैक्टिस की थी, और वो सिर्फ हुक स्टेप किया ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ओनली। आई थिंक फरा मैम सेड
कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे. ईशान को बस खुला छोड़ दिया था, मस्ती कर रहा था. और जी ऑफ कोर्स हमने सैरार मूवी देखी है. जी हाँ, देखी है, सैरार देखी है, दो बार देखी थी फिल्म शुरू करने से पहले. और बहुत 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 ही खूबसूरत फिल्म है सैरार, मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है. और जैसे कि इन्होंने कहा, फारा मैम और शशांक सर का जो आइडिया था वो ये था कि ज़्यादा हम कोरियोग्राफ नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक हुक स्टेप डिफाइन करेंगे और उसके अलावा इसे बिल्कुल ही नेचुरल छोड़ देना है. जैसे जिसको जो मन हो, जैसे ये गाना बजता है कि हर इंसान का अपना खुद का रिएक्शन होता है, तो वो वही कैप्चर करना चाह रहे थे. हाय ईशान एंड जानवी. हेलो सर. हाय, अभी फ्रॉम एबीपी न्यूज़. ये जो गाना है, एक कल्ट सॉन्ग है शशांक, एक कल्ट सॉन्ग है. पूरी इंडिया में ही नहीं, भले ये रीजनल सॉन्ग रहा हो, लेकिन पूरी इंडिया में पॉपुलर है और एनआरआई डायस्पोरा में भी काफ़ी पॉपुलर है. मैं हाल ही में बैंकॉक गया था तो वहाँ भी नाइट क्लब में बज रहा था ये गाना. तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप लोग इस गाने की शूटिंग कर रहे थे, तो क्या आप लोग क्या आप लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं प्रेशर था कि इससे बेटर करना है, कंपैरिजन होगा और लोग क्या कहेंगे? जब आप लोग परफॉर्म कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तो कुछ बताएं इस बारे में. जानवी, निशा. नहीं, हमने ऐसे कोई प्रेशर नहीं लिया था. हम मस्ती कर रहे थे. ऑफ कोर्स वी वांटेड टू मेक अ गुड सॉन्ग एंड यू नो समथिंग दैट्स ट्रू टू आवर फिल्म. लेकिन कोई प्रेशर नहीं लिया था. हम बस अपना कैरेक्टर्स प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, शशांक को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, फरा मैम की बात सुन रहे थे. ईशान सर, इस गाने का एक यूनिवर्सल अपील है. जैसे कि आपने कहा, बैंकॉक में भी नाइट क्लब में गाना बज रहा था. तो मेरे ख्याल से सब सब तरह के लोग, सब कौम, सारे कौम के लोग इस गाने का मज़ा उठाते हैं. तो कोशिश यही थी कि इस फिल्म में, इस मोमेंट में, उस सीन में जो किरदार के थॉट्स थे, मोटिवेशन थे, वो यही थे कि वो बहक जाते हैं मस्ती में. तो हमारी कोशिश यही थी कि हम उस मोमेंट में सिंसियर रहें. और हम मजबूरन ही मज़ा लेने लगे क्योंकि इतना कमाल का गाना है. तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था. शशांक, झिंगाट जो शब्द है, ये एक मराठी शब्द है, लोकल एक शब्द है, अगर महाराष्ट्र के लिहाज से कहा जाए. मराठी फिल्म बनी थी, लेकिन आप लोगों ने राजस्थान में ये फिल्म सेट की है, मेवाड़ में. नॉर्थ इंडियन लोग इसके बारे में नहीं जानते, रेस्ट ऑफ इंडिया झिंगाट शब्द का मतलब नहीं जानते. तो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से आपको क्या लगा जब आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे गाने में? जी, दरअसल झिंगाट जो शब्द है ना, ये मराठी लैंग्वेज में भी बहुत यूज शब्द नहीं है. इनफैक्ट जब मैं अजय अतुल और अमिताभ भट्टाचार्य के साथ बैठा था इसके क्रिएशन पे, तब हमें पता चला ये शब्द एक ही बार यूज़ हुआ है 400 साल पहले किसी एक वेदा में, जहाँ पर झिंगाट शब्द का यूज़ हुआ था मराठी में. तो वो पॉपुलर लिटरेचर में कभी वो शब्द यूज़ नहीं हुआ है उसके बाद. और उस शब्द का कोई डिफाइंड मीनिंग नहीं है, उस शब्द का मस्त है मस्ती. झिंगाट मतलब बेधड़क, बिंदास होके डांस करना. और क्योंकि ये एक्चुअली उन्होंने पॉपुलर कर दिया था, इतना डिफाइंड शब्द नहीं है जो कलोकियल या एवरीडे यूज़ में ना महाराष्ट्र में यूज़ होता है. और मुझे लगता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे टन टन आतन टन टन टारा, इसका कोई मतलब